हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फॉर मूड। मैं मौतुसी। क्या लग रहा है ना टेम्पटिंग? आज हम घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बनाएंगे। इसको हम तंदूर ओवन के बिना ही बनाएंगे सिंपल गैस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 300 ग्राम चिकन फिले पीस ले ली। इसको आप ऐसे छोटे छोटे क्यूब शेप में कट कर लेंगे। अब चिकन पीसेस को एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन एंड हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही, 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। सभी इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मिला लेंगे। थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डालने से चिकन के साथ मसालों का बाइंडिंग अच्छे से होता है। अब ढक्कन ढक के 15 मिनट्स मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ वुडन स्क्यूअर्स यानी कबाब स्टिक को पहले से पानी में भिगो के रखी थी, इससे स्क्यूअर्स जलेगा नहीं। 15 मिनट्स बाद ऐसे एक के बाद एक चिकन पीसेस को स्क्यूअर्स में लगाते जाएंगे। दोनों चिकन पीसेस के अंदर थोड़ी सी गैप रखते जाएंगे, इससे चिकन पीसेस सभी साइड से अच्छे से पकेगा। सभी चिकन पीसेस को ऐसे ही सेट कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन या तो तवे पे 1.5 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। घी के बदले में आप बटर भी ले सकते हैं। घी मेल्ट होने के बाद ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। चिकन स्टिक्स को एक के बाद एक तवे पे रखते जाएंगे। लो फ्लेम में 2 मिनट पका लेंगे। साइड से घी लेकर चिकन के ऊपर ऐसे ग्रीस कर लेंगे। 2 मिनट बाद स्क्यूअर्स को टर्न कर लेंगे। चारों तरफ टर्न करते हुए पका लेंगे। सभी साइड को 2 मिनट लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। टोटल 8 से 10 मिनट पकाना है। बीच बीच में घी ग्रीस कर लेंगे। देख रहे हैं, चारों तरफ से अच्छे से पक गया। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। टोटल 7 कबाब स्टिक हुआ है। 2 बार में सभी चिकन को पका लिए हैं। अब है मेन स्टेप। रेस्टोरेंट में खाते टाइम नोटिस किए होंगे कि उसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मोकी फ्लेवर निकलता है। वो फ्लेवर लाने के लिए इस स्टेप करेंगे। सेम तवे पे ही चिकन स्क्वायर्स को रख देंगे। गैस को ऑन ना करें। एक कटोरा बीच में रख देंगे। अब एक पीसेस चारकोल को बर्न कर लेंगे। टेंशन मत लीजिए, इसका ऑल्टरनेटिव प्रोसेस भी मैं बताऊंगी। अब चारकोल को कटोरा में डालकर थोड़ी सी घी ऐड कर देंगे। घी डालते ही धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बोल से ढक देंगे। ये प्रोसेस फास्ट करना है। पांच मिनट बाद बोल को हटा देंगे। इससे चिकन में एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। अब अल्टरनेटिव प्रोसेस। सबके पास चारकोल नहीं रहता तो कोई बात नहीं, चिकन स्टिक को मीडियम टू हाई फ्लेम में ऐसे घुमाते हुए 30 सेकंड तक सेक लेंगे। इससे भी काम चल जाता है। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार। अब प्लेटिंग की बारी। सर्विंग प्लेट में इसको सर्व कर देंगे। ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम एंड बारीक कटा हुआ थोड़ी सी धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको हरी चटनी एंड लच्छा ऑनियन के साथ सर्व कर देंगे। अगर आपको हरी चटनी एंड लच्छा ऑनियन की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताना। देख रहे हैं यहाँ पे चिकन कितना सॉफ्ट एंड जूसी बना है। सर्दियों में ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए एंड अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए।
अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे बेल आइकन में प्रेस कर दें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए कि मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।